सब्सक्राइब करें टीम पार्टी स्टार चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, टीम पार्टी स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम Q&A एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपके क्वेश्चनों के जवाब देने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे, जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट करी थी और एक वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं, तो उन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं और वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करें अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सवालों के ही जवाब देते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला सवाल मोहित ठाकुर जी पूछते हैं, हेलो भाई, आपने कभी अपने चैनल पे नाम नहीं बताया है, आप अपने नाम बताइए सबसे पहले जिससे आपके सभी व्यूअर को पता चले कि आपका क्या नाम है। तो भाई का सबसे बढ़िया सवाल है क्योंकि काफ़ी लोगों ने आज तक मुझसे नाम नहीं पूछा है कि आपका नाम क्या है। तो सभी व्यूवर्स जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबको मैं नाम बता देता हूँ, मेरा नाम है राहुल रावत और ये प्रॉपर नाम है। और मैं कहाँ रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आपको जैसे ही पता है कि मैं दिल्ली से ही शूट करता हूँ वीडियो, तो मेरा नाम राहुल रावत है और दिल्ली का रहने वाला हूँ। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति विश्वी पूछती है आप कहाँ से हो। वेल, मैं UK से हूँ, आप अपना Q&A में बताओ कि आप कहाँ से हो। तो प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, बाकी मैं उत्तराखंड से हूँ। जैसे कि आपने स्टोरी में देखा होगा मैंने एक पोस्ट लगाई थी अपनी अभी देवप्रयाग की, तो वो मेरा होम टाउन है, मैं वहीं का हूँ। और जो मेरा देवप्रयाग से थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर ऊपर मेरा गांव है, वहीं मेरा विलेज है, तो मैं वहीं से हूँ और वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ। उसके बाद रजनीश जी पूछते हैं वीडियो एडिट कौन से सॉफ्टवेयर से करते हो। तो रजनीश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियो एडिटर यूज़ करता हूँ वो मैं कोई लैपटॉप यूज़ नहीं करता, अपने ही मोबाइल फ़ोन से वीडियो एडिट करता हूँ। और जो कि आपका ऐप है वो ऐप का नाम है काइनमास्टर, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद विजय कुमार जी पूछते हैं आपकी टीम पहाड़ी में कौन कौन है। तो मैं विजय कुमार जी को बताना चाहता हूँ कि मेरी टीम में सिर्फ मैं हूँ। काफ़ी अगर मेरे को कभी ले जाना होता है तो अपने भाई को ले जाता हूँ छोटे वाले, और कभी वीडियो शूट करने के लिए अपने दोस्तों को ले जाता हूँ। बाकी मेरी टीम में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पूरा प्रॉपर काम संभालते हो। उसके बाद मोहित बिश्वी पूछते हैं भाई आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपको इतनी सस्ती दुकानें कहाँ से ढूंढते हो। तो मोहित जी, ढूंढने से तो पता नहीं क्या क्या मिल जाता है, हम भी मार्केट्स में जाते हैं, सर्च करते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या क्या आपकी दुकान पे अवेलेबल है, आप रेट बताओगे या नहीं बताओगे। फिर उनसे हम सवाल पूछते हैं कि मतलब आपकी दुकान पे प्राइसिंग स्टार्ट क्या होती है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को ज़्यादातर देखना सस्ता ही पसंद है। तो हम उनसे पहले बातचीत करते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। तो पहले हमारा सब कुछ डिस्कशन हो जाता है कि वीडियो में क्या क्या दिखाने वाला है, कितने प्राइस होने वाला है, तो सारी चीज़ें हम वीडियो से पहले ही बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद मृदुल त्रिपाठी जी कहते हैं यूट्यूब में बहुत वीडियो डाली है सस्ते DJ की, मगर केवल यही चैनल सबसे सस्ते और अच्छे सेटअप दिखाता है अपने व्यूअर को। तो मृदुल त्रिपाठी जी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, आप ही का इतना सपोर्ट है कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि जो हमारी वीडियो देखता है तो हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं DJ से रिलेटेड और मार्केट से रिलेटेड। तो आपने काफ़ी हमारे चैनल पर देखी होगी, काफ़ी लोग हमें सपोर्ट करते हैं कि भाई आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, तो इसी से मैं मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छी अच्छी और वीडियो लाता हूँ। उसके बाद उमेश कुमार जी पूछते हैं, इनका ज़्यादातर कमेंट यही रहता है कि लॉकडाउन कब खुलेगा दिल्ली में। तो उमेश कुमार जी को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई लॉकडाउन का कोई पता नहीं है, लॉकडाउन बढ़ रहा है, 7-7 दिन बाद फिर दोबारा बढ़ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि 3 मई तक लॉकडाउन है, उसके बाद अभी 1 हफ्ते का बढ़ेगा, 2 हफ्ते का बढ़ेगा, ये हमें भी नहीं पता है। बाकी आप न्यूज़ देखिए, आपको पता चल जाएगा कि लॉकडाउन कब तक रहता है और कब तक इसकी लास्ट सीमा रहेगी। बाकी कोई आइडिया नहीं है लॉकडाउन कब तक लगने वाला है और कब तक ये ख़त्म होने वाला है। उसके बाद उबलेन बोधरा जी पूछते हैं ये जो आप वीडियो बनाते हो वो घर पे डिलीवरी हो सकता है। तो उबलेन बोधरा जी को मैं बताना चाहता हूँ जो वीडियो हम बनाते हैं वो घर पे भी डिलीवरी हो जाएगा, लेकिन आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा, आपको पेमेंट पहले अकाउंट में डालनी पड़ेगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप ओनर से कॉन्टैक्ट करें, इसमें चैनल कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप ओनर से कॉन्टैक्ट करें या तो शॉप पर आके विजिट करें। बाकी आप उनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको बिल्टी दे देते हैं, आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, पेमेंट आपको पहले जो आपका ऑर्डर है उसकी पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। बाकी डिलीवरी चार्ज अलग होता है, वो आपको
ऑर्डर के टाइम जब आपके घर पे पहुंचता है तो आपको उस टाइम देनी पड़ती है। उसके बाद वरुण कुमार जी पूछते हैं कि भाई मार्केट की वीडियो आप कब से बना रहे हो। तो वरुण कुमार जी मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं किसी और चीज़ की वीडियो बनाता था, मार्केट की वीडियो मैं 8 से 9 महीने पहले से बना रहा हूँ। और अभी मैं इस मार्केट वाली वीडियो में काफ़ी नया हूँ, और पहले मैं कुछ अलग ही फैमिली ब्लॉग बनाता था जैसे कि आपने मेरे चैनल पर देखे होंगे। उसके बाद यूट्यूबर अरुण जी पूछते हैं भाई आपकी फर्स्ट पेमेंट आ गई। हाँ जी, फर्स्ट पेमेंट मेरी कब की आ गई, मेरी फर्स्ट पेमेंट 2018-19 के बीच में आ गई थी फर्स्ट पेमेंट। और ये नहीं आपने पूछा कि कितनी आई, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। बाकी सूरत टेक्नोलॉजी पूछते हैं भाई आपने टैक्स फॉर्म भर दिया यूट्यूब का। हाँ भाई, मैंने टैक्स फॉर्म भर दिया यूट्यूब का, और शायद इसकी डेट भी आने वाली है 31 मई है अप्रॉक्स। तो जिन्होंने टैक्स फॉर्म नहीं भरा, जो भी यूट्यूब के क्रिएटर है जिन्होंने यूट्यूब का टैक्स फॉर्म नहीं भरा है, तो जल्दी ही टैक्स फॉर्म भर लीजिए, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको मेरी भी हेल्प चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे टैक्स फॉर्म भरना है। और वैसे यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो बन चुकी है, और आपको पहले नंबर पे ही एक वीडियो मिलेगी, आप सर्च करोगे तो उनकी वीडियो से ही, यूट्यूब ने उनकी खुद वीडियो प्रमोट की है टैक्स फॉर्म से रिलेटेड, तो आप उनकी वीडियो देखिए, आप उन्होंने काफ़ी अच्छे बताया है वीडियो में। बाकी मैं नाम नहीं लूँगा यूट्यूबर का, आप देखिए सर्च करिए, पहले पे ही उनकी वीडियो आएगी। बाकी मैंने भर दिया है संतोष कुमार जी, सॉरी सूरत टेक्नोलॉजी। संतोष कुमार जी का सवाल है व्लॉग के लिए आपके पास क्या क्या सामान है वो बताओ। तो गाइस ये भी बहुत अच्छा सवाल है, व्लॉग के लिए मेरे पास क्या क्या है। तो व्लॉग के लिए मेरे पास एक ट्राईपॉड है, एक मेरा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन आपको पता है वीवो का Z1 Pro है, और एक मेरे पास अभी आपने देखा होगा मैंने आपके अभी चैनल पे अपने अनबॉक्सिंग बनाई थी गिम्बल की, वो मैंने अभी बाय करा गिम्बल। और एक मेरे पास बोया का M1 माइक है, बाकी मेरे पास और कुछ नहीं है। और एडिटिंग भी मैं अपने फ़ोन से ही करता हूँ, और मेरे पास कोई भी अलग सामान नहीं है जो कि मैं आपको बताऊँ। तो उसके बाद संतोष जी का तो हो गया सवाल। मोहन सिंह जी पूछते हैं क्या आपको स्पॉन्सरशिप मिली अभी तक, अगर मिली तो कैसे और कितना प्राइस मिला। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, हम यूट्यूब पे इतनी बहुत सालों से हैं, तो ये भी अच्छा सवाल है कि स्पॉन्सरशिप मिली तो कैसे मिली और कितना मिला। देखो गाइस, स्पॉन्सरशिप मिलने के लिए आपके पास सबसे पहले आपके पास सब्सक्राइबर होने चाहिए, उसके बाद आपके पास ऑडियंस रीच होनी चाहिए, आपको अपने आप ही स्पॉन्सरशिप मिलती है आपके जो आपने बिजनेस क्वारी के लिए अपने अबाउट में मेल डाला होगा उस पर आपके पास मेल आता है कंपनियों का, और कंपनी आपसे खुद ही आपसे कांटेक्ट करती है कि हमारी इस चीज़ को आप प्रमोट करें। बाकी फेक भी मेल आते हैं, मेरे पास काफ़ी फेक मेल आए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, और कंपनी फिर मेरे से अमाउंट इतना इतना बताती है कि वो एक्सेप्ट करके आपको उल्लू बनाया जा सके। तो मैं उन फेक स्पॉन्सरशिप पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मेरे पास अभी 2 स्पॉन्सरशिप पेंडिंग में पड़ी है, उन 2 स्पॉन्सरशिप को मैं करने वाला हूँ, और जैसे ही मेरे उनका पूरा हमारी डील होगी पक्की, तो उनके बारे में आपको मैं वीडियो में बताऊंगा, और कैसे स्पॉन्सरशिप मिलती है वो मैं आपको जब मेरा पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट Q&A में बताऊंगा। उसके बाद काफ़ी लोग थे, ब्लॉगर रितिका जी ने अभी एक कम्युनिटी पोस्ट करी थी, उन्होंने पूछा था एक सवाल। तो हेलो टीम पहाड़ी स्टार जी, आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज़ आप यार ये बताओ आपकी फ़र्स्ट पेमेंट कब आई और कितनी आई, यूट्यूब पर कब से वर्क कर रहे हो। ये भी अच्छा सवाल है, काफ़ी लोगों का मेरे पास पेमेंट से रिलेटेड सवाल आए थे, और उनका ही ये बहुतों के ये सवाल आए थे कि पेमेंट कितनी आती है आपकी, कितनी आपने अर्न कर लिया। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पेमेंट आती है यूट्यूब से, और कितनी आती है, इतनी आती है कि नॉर्मली हमारा मतलब रेगुलर तो नहीं आती मेरी पेमेंट की, महीने महीने मेरी पेमेंट आ रही है। हाँ ये है कि 2 से 3 महीने में मेरी पेमेंट आ जाती है, हर महीने 2 से 3 महीने में। और कितनी आती है, जैसे कि आपको पता है कि 2 से 3 महीने में वो आपके डॉलर पे निर्भर करता है, कि जैसे ही आपके $100 पूरे होते हैं तो आपको YouTube 21 तारीख को, महीने की 21 तारीख को आपको पेमेंट रिलीज कर देता है अपने अकाउंट से, और 26-27 अकाउंट में आपके क्रेडिट हो जाती है। तो मेरी जो पेमेंट आती है वो अप्रॉक्स Redmi 9 फ़ोन है, Redmi 9 जो उसका सबसे लोअर वेरिएंट है, उतनी मेरी पेमेंट आती है 2 से 3 महीने में। आप गूगल पर सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कि Redmi 9 कितने का फ़ोन है, जो सबसे लोअर वेरिएंट है उतनी मेरी पेमेंट आती है। तो आप सर्च करिए और कमेंट में बताइए तो कि कितनी मेरी पेमेंट आती है। बाकी नेक्स्ट सवाल है कि
किरण जी पूछती है कि आपने जो यूट्यूबरों की, अभी मैं एक छोटी यूट्यूबर हूँ और मेरे इसमें अभी पेमेंट नहीं आई है, फर्स्ट पेमेंट नहीं आई है, तो उसका क्या कारण हो सकता है सर, आप अपने Q&A सेशन में बताएं। तो किरण जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube की जो पेमेंट है वो 21 तारीख को रिलीज़ होती है, और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, इस बार पेमेंट में काफ़ी देरी हुई है, और काफ़ी बीच में फिर सैटरडे संडे का गैप भी हुआ था, तो उसकी वजह से भी देरी हो रही है, और कोरोना की वजह से बैंक में स्टाफ भी कम है, तो उसकी वजह से भी देरी हो रही है। बाकी आप अपना ये सोचिए कि आपका बैंक मर्ज तो नहीं हुआ है किसी अकाउंट में, क्योंकि बैंक मर्ज होने की वजह से आपका स्विफ्ट कोड और बैंक का IFSC कोड दोनों चेंज हो चुके हैं। अगर चेंज हुआ है तो आप उसको बैंक से ले और अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में वेरीफाई करें, और जैसे ही आपका वेरीफाई होता है उसके बाद आपको गूगल एडसेंस दोबारा आपको पेमेंट भेज देगा। बाकी जो आपकी पेमेंट अभी आपके गूगल एडसेंस से कटी है वो आपके अकाउंट में रिवर्स हो जाएगी, आपकी पेमेंट कहीं नहीं जाएगी। अगर इन केस आपकी पेमेंट फेल्ड भी होती है गूगल एडसेंस के थ्रू, तो आपके अकाउंट में रिवर्स हो जाती है और फिर गूगल नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट में वो दोबारा भेज देता है। तो अगर आपका बैंक कोड और IFSC कोड, स्विफ्ट कोड चेंज हुआ है, तो आप बैंक से कॉन्टैक्ट करें और जल्द से जल्द गूगल एडसेंस में अपडेट करें। बाकी यही बहुत सारे जवाब थे, और काफ़ी लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट भेजे कि नाइस वीडियो, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं हमारे चैनल को, तो उनको मैं बहुत तहे दिल से अपने थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। बाकी आपसे भी मेरा एक सवाल है कि आप मुझे ये बताएं कि मेरा जो मेरे को एक कैमरा बाय करना है, तो मैं आपसे बस यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुझे आईफोन लेना चाहिए या एक DSLR लेना चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे क्या लेना चाहिए, मैं लेने वाला हूँ जल्द इन दोनों में से एक चीज़। आप अपना कमेंट सजेशन मुझे कमेंट में बताएं और फिर मैं उनको देखूँगा और फिर मैं बाय करूँगा। बाकी अगर आपके भी अभी भी कोई भी Q&A हो, क्यों मतलब क्वेश्चन हो, तो आस्क लिख के, हैशटैग आस्क लिख के नीचे अपने कमेंट करें, और फिर मैं उस पर नेक्स्ट Q&A वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपके क्वेश्चन लूंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर एक अनदर वीडियो पर। तो टेक केयर, गुड बाय।